जमीन के दाखिल खारिज के लिए पुरानी रसीद भी होगी मान्य, बिहार जमीन सर्वे की नई रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं नेहा, स्वागत है आज के इस वीडियो में। बिहार में भूमि सर्वेक्षण का काम शुरू किया जा चुका है। भूमि विभाग द्वारा ऑनलाइन आवेदन और आवश्यक कागजी डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड करने के लिए वेबसाइट का लिंक भी जारी कर दिया गया है। लोग land.bihar.gov.in या फिर landsurvey.bihar.gov.in या फिर dlrs.bihar.gov.in पर जाकर तमाम दस्तावेजों को डाउनलोड कर सकते हैं। राज्य में हो रहे जमीन सर्वे का काम अगले एक साल तक पूरा होता रहेगा। राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने इस काम के लिए 360 दिनों तक का समय सीमित किया है। अब तत्काल प्रदेश के 45,000 गांव में ये सर्वेक्षण किया जा रहा है। इस सर्वे का उद्देश्य जमीन के रिकॉर्ड्स को ठीक करने का है। जमीन की प्रकृति के आधार पर तीन प्रकार के साक्ष्य को मान्यता प्रदान की गई है। पहली पुश्तैनी जमीन के लिए खतियान, दूसरी खरीदी गई जमीन के लिए रजिस्ट्री और तीसरी सरकार के द्वारा मिली हुई जमीन के लिए पर्चा या बासगीत पर्चा। अगर जमीन का दाखिल खारिज नहीं है तो उससे कुछ खास असर नहीं होगा। सर्वे कर्मी द्वारा जमीन का सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स तभी मांगा जाएगा जब दर्ज किए गए मुख्य दस्तावेज में कोई कमी होगी। यदि जमीन से संबंधित कोई भी कागजात मौजूद नहीं है तो सर्वे कराने से पहले अपनी जमीन के कागजी प्रमाण एकत्रित कर लेने चाहिए। 30 दिनों के अंदर सर्वे के काम की समाप्ति के बाद जमीन के नक्शे का निर्धारण और ग्राम सीमा को सत्यापित किया जाएगा। साथ ही हवाई सर्वेक्षण एजेंसी द्वारा नक्शे को अपडेट किया जाएगा। सर्वे की मौजूदा स्थिति और अपने प्लॉट से संबंधित जानकारी को ट्रैकिंग ऐप पर देखा जा सकेगा। सर्वेक्षण के दौरान रैयत या फिर जमीन के मालिकों को अपनी जमीन से संबंधित डॉक्यूमेंट्स देने अनिवार्य है। इन दस्तावेजों को सरकारी रिकॉर्ड से मिलाया जाएगा। रिकॉर्ड्स को मिलाने के बाद इन दस्तावेजों को अंतिम तौर पर अपलोड कर दिया जाएगा। पेश किए गए दस्तावेजों में नाम, खेसरा, खाता की संख्या या किसी अन्य जानकारी को सरकारी रिकॉर्ड में नहीं पाया जाएगा तो उसे अपलोड नहीं किया जाएगा। ऐसी स्थिति में जमीन के संबंधित व्यक्ति को सही डॉक्यूमेंट्स पेश कराने हेतु सूचना भेजी जाएगी। किसी भी परिस्थिति में अगर ऐसा नहीं होता है तो पहले से मौजूदा नाम ही चढ़ा रहेगा। मालिकाना अधिकार के लिए जमीन के कई और दस्तावेज मान्य होंगे, जैसे कि जमीन का खतियान, रसीद, दाखिल खारिज या जमीन के स्वामित्व से संबंधित कोई भी सरकारी दस्तावेज। तो ऐसे ही खबरों के लिए आप बने रहिए रूबरू बिहार के साथ। नमस्कार।